यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। अयोध्या के सिटी मजिस्ट्रेट ने विवादों में घिरी अयोध्या महोत्सव को रद्द कर दिया है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिलाधिकारी ने 4 सदस्य जांच समिति गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ये फैसला आया। और ये रिपोर्ट आने के बाद ये पाया गया कि जीआरसी खेल मैदान का व्यवसायीकरण हो रहा है, जिसके बाद अनुमति रद्द कर दी गई। 26 दिसंबर से शुरू हुआ अयोध्या महोत्सव 6 जनवरी तक चलेगा। समाज सेवी ब्रिजेंद्र दुबे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के दबाव में अयोध्या महोत्सव अभी भी जारी है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी है, ये अयोध्या महोत्सव राजकीय इंटर कॉलेज में चल रहे मैदान के संदर्भ में है। इस मैदान के लिए मैंने भी पहले उस मैदान को आवंटन के लिए मांगा था, लेकिन हमें माननीय हाईकोर्ट 2015 के आदेश का हवाला देते हुए हमें वो मैदान आवंटित नहीं किया गया। उसके विपरीत वहीं दूसरी तरफ जो है उसी के 10 दिन के बाद ही वहीं दूसरी तरफ नगर विधायक अयोध्या और भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित नेताओं के चलते जो है उस मैदान को जो है अयोध्या महोत्सव के लिए दबाव में दे दिया गया, आवंटित कर दिया गया, जिस पर 27 तारीख से अयोध्या महोत्सव चल रहा है। इसी प्रकरण को लेकर मैं पुनः हाई कोर्ट की शरण में गया और हाई कोर्ट ने आदेश दिया जिलाधिकारी महोदय की पूरे मामले को संज्ञान में ले और विधि संगत उस पर कार्रवाई करें।